माते, आज आपका पुत्र रावण नहीं, आपका शिष्य रावण आपके चरण स्पर्श करने आया है। आप तो मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। पुत्र, दीर्घायु भव। आज कोई विशेष दिन है? हाँ माते, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मांगिए माते, अपने शिष्य रावण से आपकी जो इच्छा है वो मांगिए। परंपरा है कि आज के दिन शिष्य अपने गुरु को भेंट स्वरूप कुछ देता है। मांगिए माते। पुत्र, मेरा एक ही स्वप्न है, मैं तुझे विश्व विजयी देखना चाहती हूं। बस इतनी छोटी सी भेंट माते? नहीं पुत्र, ये मेरी इच्छा है। यदि कुछ देना चाहता है तो एक वचन दे दे। आज्ञा करें माते। पुत्र, आज के पश्चात गुरु पूर्णिमा की बात मेरे समक्ष कभी मत करना। मैं तुझ में तुम्हारे पिता के संस्कार देखती हूं तो भयभीत हो जाती हूं। वो तुझे ऋषि बनाना चाहते थे, परंतु मैंने तुझे राक्षस राज रावण बना दिया है। पुत्र, मानव दुर्बलता से अपने आप को दूर रखना यही मेरी इच्छा है। तो ठीक है माते, आज के पश्चात आप ये शब्द मेरे मुख से कभी नहीं सुनेंगी, कभी नहीं। माते, मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं, मैं तो अपनी माता का पुत्र हूं। मैं देवताओं और मानवों का घोर शत्रु हूं और सदैव रहूंगा। ये लंकापति रावण का वचन है आपसे माते। उठो अनुजो, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आज का गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ है। भ्राताश्री, आप हम सब में ज्येष्ठ हैं। पिता की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ भ्राता ही पिता समान होता है। हाँ भ्राताश्री, गुरुदेव के समक्ष भेंट स्वरूप मैंने उन्हें यही वचन दिया है कि मैं सदैव आपकी छाया बनकर रहूंगा। जहां श्री राम होंगे वहीं लक्ष्मण। भ्राताश्री, गुरुदेव को अपनी इच्छा से मैंने भी यही वचन दिया है। हाँ अनुज, तुम सब जानते हो मैं तो श्री रामचरण अनुरागी हूं। यदि कोई त्रिलोकी समक्ष समस्त ब्रह्मांड का राज्य देकर भी मुझसे आपको मांगे, यदि आपको त्याग कर मुझे ईश्वर भी प्राप्त हो तो भी मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो आपका अनुज भी हूं एवं सेवक भी। भारत, मुझ पर तो आप दोनों ही भाव बनाए रखिए। भारत, भ्राताश्री, भारत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, कहते हैं कि शरीर में केवल एक ही हृदय होता है, किंतु यदि कोई श्री राम के वक्ष स्थल को चीर कर देखे तो उन्हें मेरे तीन हृदय मिलेंगे। ये मेरे तीन अनुज। प्रणाम महाराज। प्रणाम धाय माँ, अच्छा हुआ आप मिल गए। कृपया महारानी कैकई को सूचित कर दें कि हमारे चारों पुत्र राजभवन लौट रहे हैं। महाराज, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं अभी जाकर महारानी को सूचित करती हूँ कि मेरे भरत राजभवन लौट रहे हैं। अभी जाकर सूचित करती हूँ। क्या
मेरे राम राजभवन लौट रहे हैं। मैं तुम्हें भरत के लौटने की सूचना दे रही हूँ। एक ही तो बात है ना धाईमा, आज तो समस्त अयोध्या में उत्सव मनाया जाना चाहिए। मैं दीदी कौशल्या के कक्ष में जाती हूँ। ये नहीं सुधरेगी। राम के लौटने से बहराई जा रही है। भरत के लौटने की कोई प्रसन्नता नहीं। अपने सुत के प्रेम में सुध बुध दी बिसरा, हुआ दृष्टि से दूर वो माँ को कुछ न सुहाए। एक नाम मन में बसा भूल गए सब नाम, नाम किसी का लीजिए सुने के कई राम, सुने के कई राम। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जीवन में जितना महत्व शिक्षा और ज्ञान का है, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्व इसका है कि शिक्षा कौन दे रहा है और किस उद्देश्य से दे रहा है। गुरु रचनाकार है, व्यक्तित्व का निर्माता है, शिष्य को नवजीवन देता है। एक गुरु महर्षि वशिष्ठ हैं और दूसरी गुरु रावण की माता कैकसी हैं। वशिष्ठ ने अपने शिष्य को ज्ञान का वो भंडार दिया है जिससे मानवता सदैव मोती चुनती रहेगी और उस भंडार का कभी अंत नहीं होगा। दूसरी ओर कैकसी ने एक ऐसी गुरु होने का प्रमाण दिया है जो न केवल शिष्य के जीवन बल्कि समस्त मानवता के लिए संकट पैदा कर सकता है। माता, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान। माता, हम आपसे विदा लेने थोड़े ही आए हैं, हम तो मात्र अयोध्या जाने की अनुमति लेने आए हैं। सदा सुखी रहो पुत्र, परंतु मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि तुम शीघ्र लौट आना। माता, कहकर तो देखिए। नहीं पुत्र, नहीं, मैं तुम्हारे उस गुरु की पत्नी हूं जिसने अपने आप को कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए और अनुशासन के लिए समर्पित कर दिया है। मैं जानती हूं ममता किसी अनुशासन से नहीं बंधी होती, फिर भी मैं तुम सबको रोकूंगी नहीं, परंतु राजभवन जाकर अपनी इस माता को भूल मत जाना पुत्र। ये तो असंभव है माता। माता देखिए ना, हम चार चार भाई किंतु हमारी माताएं केवल तीन, कितना असंतुलन। ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगा, अब ईश्वर ने यह संतुलन ठीक बना दिया। आप जो हमें मिल गईं, हम आपका स्नेह कभी नहीं भूलेंगे माता। बस बस पुत्र, मैं धन्य हो गई। माता, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तुम्हारी इस माता के पास क्या है पुत्र? शत्रुघ्न,
नियम के अनुसार ये वस्त्र हमें आपको लौटा देने चाहिए, किंतु मैं चाहता हूं कि आप इन्हें हमें उपहार स्वरूप दे दें। पुत्र, इन गेरुए वस्त्रों में ऐसा क्या है? ये तो माता, ये रंग ही तो कहीं मेरी आत्मा में उतर गया है, और फिर ये वस्त्र हमें आपके इस आश्रम के निकट रखेंगे। पुत्र, तुमने मांगा भी तो अपनी गुरु माता से ये क्या मांगा? जाओ, ले जाओ, मैं इन वस्त्रों को तुम्हें भेंट देती हूं, और इसके साथ ही साथ मैं आशीष भी देती हूं, ये वस्त्र तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हो। परंतु ईश्वर न करे इन वस्त्रों की तुम्हें कभी भी आवश्यकता पड़े। जाइए दशरथ नंदन, मैं आप सबको विदा करती हूं। प्रणाम माता। आयुष्मान, कौशल्या दीदी, सुमित्रा दीदी, सुना आपने राम राजभवन लौट रहे हैं? हाँ, हाँ, बधाई हो। मैं तो ये सुन के झूम उठी कि अब हम राम को प्रतिदिन देख सकेंगे। केवल राम ही नहीं, हमारे शेष तीन पुत्र भी आ रहे हैं। मैं तो चारों के लौटने की राह देख रही थी। हाँ, सत्य कहा आपने, वो चहल पहल फिर से लौट रही है जो वर्षों से राजभवन से रूठी हुई है। मैंने आदेश दे दिया है कि समस्त अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। वत्सराम, तुमने कभी घोंसले की तरफ लौटते हुए पक्षी की उड़ान देखी है? जी गुरुदेव। उसमें जो अपनों से मिलने की व्याकुलता, हर्ष और उत्साह होता है, वह मुझे तुम्हारे मुखमंडल पर नहीं दिखाई देता। वहां तो गंभीर चिंतन दिखाई देता है। थोड़ा सा चिंतित तो हूं गुरुदेव। क्या आश्रम जैसा पावन वातावरण अयोध्या में भी होगा? वो भोर, वो दोपहर, वो शांत संध्या, क्या वहां पर भी सब सत्यम शिवम सुंदरम होगा? हाँ वत्स, तुमने जिन मार्गों पर चलने का संकल्प लिया है, जो वचन तुमने मुझे दिया है, वो तुम्हारा संकल्प, वो तुम्हारा वचन राजभवन को भी आश्रम बना देगा। पवित्रता स्थान में नहीं, मानव के हृदय में होती है वत्स। सब कुछ त्याग कर भी यदि उचित मार्ग पर चलना हो तो अवश्य चलना, और सब कुछ प्राप्त करके भी यदि अनुचित मार्ग पर चलना हो तो कदापि मत चलना। यही गुरु मंत्र तुम्हारी सारी चिंताओं का समाधान है वत्स। आपने मेरे मन का बोझ उतार दिया गुरुदेव, अत्यंत आभारी हूं। हे आदि पुरुष सूर्यदेव, आप तो अस्ताचल की ओर चल पड़े और मेरा सूर्य तो अभी तक नहीं आया। वो तो प्रातः काल ही गुरुकुल से निकल पड़ा था। महाराज, महाराज, हमारा राम आ गया। महाराज, मेरा राम आ गया। क्या कहा महारानी, हमारा राम आ गया? हाँ महाराज, हम सबका राम आ गया। अभी अभी मुझे मंत्रा ने बताया कि हमारे राजकुमार राजभवन के मुख्य द्वार तक आ पहुंचे हैं। ओ महारानी कैकेयी, ये राम के आने का समाचार नहीं, दशरथ के प्राण लौट आए। इस महल रूपी सूखे सरोवर में दशरथ की स्थिति एक मछली के समान थी, और राम के आगमन का समाचार जल के समान आया। मैं जी उठा महारानी, मैं जी उठा। कौशल्या दीदी, कौशल्या दीदी, अचानक मैं अपने राम को कैसे देख पाऊंगी? शांत पगली, तेरी व्याकुलता देखकर तो ऐसा लगता है राम आया नहीं, कहीं जाने वाला है। चल
कहीं ऐसा न हो जाए कि हम यहाँ वार्तालाप करते रहें और चारों राजकुमार यहाँ तक आम पहुँचे। दीदी मैं जाकर दासियों को कहती हूँ कि शीघ्र ही आरती का थाल सजा दे। हाँ सुमित्रा दीदी, और ना उनको भी काजल लेके बुला लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे राम को मेरी ही दृष्टि लग जाए। महाराज दशरथ, कुलगुरु, प्रणाम कुलगुरु। यशस्वी भाव, स्वागत है आपका। महाराज दशरथ, आज से वर्षों पूर्व मैं आपके चारों राजकुमारों को धरोहर स्वरूप अपने आश्रम ले गया था, आज उन्हें ही लौटाने आया हूं, स्वीकार कीजिए। राम, श्री राम, 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 मेरे पुत्र राम, पिताश्री, पिताश्री।